हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। SOI UGPG सेकंड सेमेस्टर के हॉल टिकट रिलीज़ कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉल टिकट आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो ABE गाइडलाइंस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस वीडियो में मैंने फ्रंट शीट और बाकी हर एक चीज़ से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको दे दी है। डेट शीट भी मैंने आपको बता दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अब मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसके बाद क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी जल्द वेबसाइट पर आएंगे, उसके ऊपर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये है SOL की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर तीसरे नंबर पर आप देखोगे UG एडमिशन टिकट ABE, इसका लिंक है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे और अपना रोल नंबर और जो बार कोड है आपका ID कार्ड में लिखा हुआ है उसके थ्रू यहाँ पर लॉगिन करोगे और एक नंबर है 1+2+3 लिख कर वो लॉगिन करोगे। यहाँ पर SOL रोल नंबर का मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आपका रोल नंबर सपोज़ करो 20 से स्टार्ट हो रहा है तो 20 के बाद ये डैश लगेगा। ऐसा मत करना कि आप डायरेक्ट रोल नंबर लिख दो बिना डैश लगाए, अगर ऐसा करोगे तो आपका नहीं ओपन होगा। तो प्रॉपर रोल नंबर लिखने का जो फॉर्मेट है उसको फॉलोअप करते हुए ही रोल नंबर लिखना और यहाँ पर बार कोड लिखना और एक ऐड नंबर करके लॉगिन करना है। तो ये आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन है, ऊपर आपकी डिटेल होंगी, ठीक है, नाम, एग्ज़ाम रोल नंबर वगैरह आपका लिखा हुआ है, SOL रोल नंबर और कोर्स वगैरह आपका लिखा हुआ है। यार ये पीछे जो डिस्टर्बेंस हो रही है इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं। इसके बाद नीचे आओगे तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कोड और जो आपकी अपलोडिंग डेट है वो है, ठीक है जी। स्टार्ट डेट लिखी हुई है और अपलोडिंग डेट है। जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है अलग अलग दिन में अपलोड होगा और वो सब्जेक्ट उसी दिन अपलोड होगा जिस दिन की डेट इस एडमिट कार्ड में या फिर आपकी डेट शीट में मेंशन है। तो इसी डेट को फॉलो करते हुए आप अपलोड करोगे। इस डेट से ना ही पहले और ना ही बाद में अपलोड होगा। और याद रखिए अपलोडिंग का जो लास्ट टाइम है 11:45 का है, रात का, 12 नहीं 11:45 का है रात का। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी केयरफुली ध्यान में रखिएगा। और आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, बहुत से बच्चों के सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, खासकर प्रोग्राम कोर्सेज के वो इनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं। तो ठीक है, जो एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट आपके हैं उसी को फॉलोअप करते हुए अपने असाइनमेंट बनाइएगा। और बस यही है, अब बहुत जल्द आपके क्वेश्चन पेपर भी आ जाएंगे तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।